Good morning, friends. In the last video, you have learned about the introduction of first P, that is product and branding. Now, in this video, you are going to study about packaging and labeling. So, let's start with packaging. Packaging refers to the act of designing and producing the container or wrapper of a product. प्रोडक्ट केवल मैन्युफैक्चर कर देने से ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, हमें इस प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए उसका रैपर या कंटेनर भी बनाना होता है. नाउ देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेज. दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग विच इज प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर which may or may not be kept throughout the entire life of product. Primary package हमारे product का immediate container होता है जो हमारे product को safe रखता है, protect रखता है, ताकि उसमें adulteration और contamination ना हो. हम चाहे तो इस primary package को पूरी usage finish होने तक रख सकते हैं या फिर starting में ही throughout भी कर सकते हैं. फॉर example, प्लास्टिक पैकेट ऑफ socks. जैसे ही हम socks को यूज करना चाहते हैं, हम इस प्लास्टिक पैकेट को रिमूव कर देते हैं. ट्यूब, जैसे ऑइंटमेंट की ट्यूब होती है, शेविंग क्रीम की ट्यूब या फिर टूथपेस्ट की ट्यूब, हम इसे पूरा यूज होने तक रखते हैं. देन प्लास्टिक कंटेनर, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू प्लास्टिक कंटेनर में आता है या प्लास्टिक रैपर में सैशे भी आते हैं. ग्लास बॉटल्स जिसमें परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक्स आती है. टिन कंटेनर जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और ऑयल भी आता है. टेट्रापैक, टेट्रापैक इज द इनोवेशन इन पैकेजिंग विच गिव्स द पैरिशेबल गुड्स लाइक जूसेस फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन पिरामिड पैक रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज, सो दिस इज ऑल्सो इनोवेशन इन पैकेजिंग. असॉर्टेड पैकेजिंग ऑफ स्वीट्स, सेल ट्रे, जैसे आप स्वीट्स में देखते हो कि एक सेल ट्रे होते हैं जिसमें लड्डू अलग अलग रखे जाते हैं या फिर मिक्स स्वीट्स जो है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट होके रखे जाते हैं, दैट इज असॉर्टेड पैकेजिंग. फिर यह असॉर्टेड पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड बॉक्स में होती है, दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ स्वीट्स. ब्लिस्टर पैक ऑफ मेडिसिंस, आपने देखा होगा कि कैप्सूल है या फिर टैबलेट्स है, वो अलग अलग एक एक पीस पैक होती है और इस पूरे पैक में 10 या 15 मेडिसिंस होती है. सो दैट इज द ब्लिस्टर पैक ऑफ मेडिसिन, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी पैकेजिंग. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ द सेकेंड इज सेकेंडरी पैकेजिंग. इट इज द सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग. दिस इज एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन. हमने प्राइमरी पैक में तो प्रोडक्ट को पैक कर दिया, अब प्रोडक्ट को एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी देने के लिए ही सेकेंडरी पैकेजिंग होती है. जनरली थ्रोन वाइल यूजिंग, जब हम प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करते हैं तो इस सेकेंडरी पैक को जनरली फेंक देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड बॉक्स, जैसे यह ट्यूब है या प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर है, इसमें एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है जो सेकेंड लेयर होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है. इसके ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन यानी लेबलिंग होती है. देन गिफ्ट पैक ऑफ चॉकलेट्स लाइक सेलिब्रेशन, जैसे एक एक चॉकलेट डेयरी मिल्क फाइव स्टार की पैकेजिंग अलग होती है, वह प्राइमरी पैकेजिंग है जो प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर है. लेकिन फेस्टिवल्स के समय कंपनी एक सेलिब्रेशन पैक देती है जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स होती हैं. सो दैट कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ सेलिब्रेशन इज द सेकेंडरी पैकेजिंग. इसी तरह फ्रेंडशिप डे पर भी चॉकलेट्स का गिफ्ट पैक आता है, जैसे होममेड चॉकलेट्स होती है उसका एक इमीडिएट कंटेनर होता है, उसके बाद उसका एक गिफ्ट पैक होता है जो होता है उसका सेकेंडरी पैकेजिंग. नाउ द थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी पैकेजिंग. इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड यूसेज.
आप प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कॉरबोरेटेड बॉक्स कंटेनिंग 20-50 यूनिट्स और 100 यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग. जैसे बिस्किट्स होते हैं तो उसकी बहुत से पैक इस कॉरबोरेटेड बॉक्स में होती हैं. या फिर आपका कोई भी ग्लास प्लास्टिक कंटेनर है, टेट्रा पैक है, पिरामिड पैक है, इसकी भी बहुत सारी यूनिट्स एक कॉरबोरेटेड बॉक्स में पैक की जाती है. इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ताकि इन प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन इजीली पॉसिबल हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ पैकेजिंग. नाउ वी लर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. द फर्स्ट इज राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. Due to change in the standard of living and consciousness about health and sanitation, there is more demand of packed products. We don't prefer loose items. The second is self-service outlet. Self-service outlet जैसे departmental stores, supermarkets में packed product आसानी से display हो जाते हैं. So the consumer can pick the product himself. सो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के लिए पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रोडक्ट डिस्प्ले भी बेटर होता है. द थर्ड इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज. पैकेजिंग में भी बहुत इनोवेशंस किए गए हैं, जैसे टेट्रा पैक, जिससे पैरिशेबल गुड्स भी लॉन्ग पीरियड के लिए सेफ रहते हैं. पिरामिड पैकेजिंग जो स्टोरेज के लिए बहुत कम जगह लेती है. इसी तरह जैसे सॉसेज ग्लास बॉटल्स में भी आते हैं और प्लास्टिक पाउचेस में भी आते हैं जिसमें कैप लगी होती है, तो पूरा प्रोडक्ट फिनिश होने तक आप उस पाउच को यूज भी कर सकते हैं. दैट इज इनोवेशन. इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तो रीयूजेबल होती है, जिसे आप रिफिल भी कर सकते हैं या फिर डेकोरेशन वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं. देन फोर्थ इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. पैकेजिंग डिफ्रेंशिएट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, साइज, डिजाइन, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल. इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर ऑल्सो. नाउ वी सी फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. द फर्स्ट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. डिफरेंट पैकेजिंग होने से आप इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. हर बार आपको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग पर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से आप प्रोडक्ट का ब्रांड नेम पढ़े बिना भी उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केटर टू प्रमोट द प्रोडक्ट. द सेकेंड इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन. पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, ताकि इसमें अडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग या फिर और कोई प्रॉब्लम ना हो. थर्ड इज फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट पैकेजिंग के कन्वीनियंट साइज शेप के कारण आप उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जैसे पैक बॉटल्स ऑफ पेप्सी एंड कोक, या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ट्रैवलिंग पाउचेस भी आते हैं, जिसे आप आसानी से ट्रैवलिंग के लिए कैरी कर सकते हैं. देन द लास्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन. पैकेजिंग इज नोन एज साइलेंट सेल्समैनशिप, क्योंकि पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव होगी तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और हमारे प्रोडक्ट परचेज करेंगे. हमारे पैकेजिंग की स्पेशल क्वालिटीज़ के कारण ही कस्टमर उसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं. हमारे गुड्स का गुडविल भी क्रिएट होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. नाउ वी स्टार्ट विथ लेबलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग और पुटिंग लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज लेबल. लेबल इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, उस पर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ही लेबलिंग होती है, लेबल होता है. और अ टैग अटैच्ड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट विच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर. टैग, जैसे जब भी हम टी शर्ट या शर्ट परचेज करते हैं तो उस पर एक टैग होता है, जिसपे ब्रांड नेम, MRP हो सकती है, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ड्राई क्लीन इट,
सेलर अपना प्राइस टैग भी अटैच करता है. सो लेबलिंग कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर. लेबल मे बी ए स्मॉल स्लिप और अ प्रिंटेड स्टेटमेंट टू डिनोट इट्स नेचर, कंटेंट, ओनरशिप, प्राइस, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज एटसेट्रा. अब लेबल एक स्मॉल स्लिप भी हो सकता है. जैसे जब भी आप फुटवेयर परचेज करते हैं तो उस पर स्मॉल स्लिप होती है जिसपे MRP लिखी होती है, ब्रांड नेम लिखा होता है, जिसे यूज करते समय आप निकाल देते हैं. और एक प्रिंटेड स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जब आप परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वारंटी गारंटी कार्ड भी होता है. सो दिस लेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द प्रोटीन, विटामिन्स एटसेट्रा. ओनरशिप मीन्स हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ टू यूज द प्रोडक्ट. जैसे रेडी टू कुक फूड होते हैं, सो हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर टू कुक द फूड. सो लेबल कैन बी सिंपल टैग और डिस्क्रिप्टिव लेबल. नाउ वी लर्न फंक्शंस परफॉर्म बाय लेबल्स. द फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट. प्रोडक्ट की लेबलिंग पर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, क्या यह कंपनी ISO सर्टिफाइड है. डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, जैसे इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, इसे यूज कैसे करना है, कॉशन इन यूज, कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी है, स्पेसिफाइड कंटेंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में यूज हुए हैं, उसमें कितने विटामिन्स और प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोसीजर, रेडी टू कुक फूड होते हैं सो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट. फिर प्रोडक्ट के डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क होते हैं, जैसे FSSAI मार्क, FPO मार्क, ISI मार्क, एग मार्क, CE, वेज मार्क यानी ग्रीन डॉट होता है. द सेकेंड इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड. जैसे एग्जाम्पल है चिप्स, यदि यह प्रोडक्ट चिप्स है तो इसका ब्रांड नेम कौन सा है, या अंकल चिप्स है, लेज है, बिंगो है, या और कोई ब्रांड है. यदि आप टूथपेस्ट परचेस कर रहे हैं तो यह कोलगेट है, बबूल है, या पतंजलि की है. सो द ब्रांड नेम, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर. अब इस लेबलिंग पर आपको मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट यू मस्ट सी, MRP, net weight when the product is packed and the batch number of the product. Now the third is to help in grading of product. Grading is done on the basis of features and quality of the product. For example, if it is a tea manufactured by HUL company and the brand name is Brookbond, so इस brand name के अंदर भी बहुत से grades हैं, जैसे red label, three roses, ताज़ा, ताजमहल. जैसे आप कोई भी कंपनी का शैम्पू परचेस करते हैं, क्लिनिक प्लस है, तो उसमें आपको ग्रेडिंग मिलेगी. सनसिल्क परचेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत से ग्रेड्स हैं. पतंजलि के शैम्पू में, हेयर ऑयल में भी ग्रेड्स हैं, विच डिपेंड्स ऑन द बेनिफिट्स एंड द क्वालिटी. नाउ द फोर्थ फंक्शन इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. एक केयरफुली डिजाइंड लेबल कस्टमर को अट्रैक्ट करता है एंड इट कैरीज प्रमोशनल मैसेज. जैसे टैगलाइन होती है, देश का नंबर वन डिटर्जेंट. नाउ सेल्स प्रमोशन टूल इज ऑल्सो यूज एंड इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन लाइक 10% एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन फ्री, सेव ₹15, और अ लकी कूपन इनसाइड. नाउ द फिफ्थ फंक्शन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. हमारे कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी लेबलिंग में इंक्लूड होती है, जैसे सिगरेट पर होती है, पान मसाला पर होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, च्यूइंग टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. इसी तरह सेफ्टी वार्निंग इज गिवन ऑन हजार्डस गुड्स, पॉइजनस मटेरियल, मेडिसिंस. मेडिसिंस पे भी लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन,
used, consumed as per the prescription of doctor. I hope you have understood the concept of packaging and labeling. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.